भोजपुरी स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी कभी सिल्वर स्क्रीन पर जबरदस्त हिट हुआ करती थी। रील के साथ पवन और अक्षरा का रियल लाइफ रोमांस भी चला। जब पवन सिंह की शादी हुई तो दोनों का रिश्ता टूट गया। अब दोनों की लव स्टोरी गुजरे जमाने की हो चुकी है। लेकिन हाल ही में अक्षरा सिंह ने पहली बार पवन को लेकर कई सारे गहरे राज खोले हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह पवन की आंखों में वो खटकने लगी थी। अक्षरा ने यह भी बताया कि पवन ने उनसे रिश्ता रखने के पहले एग्रीमेंट साइन करवाया था, वो उनके साथ रिश्ते में बंधी हुई थी। अक्षरा ने यह भी कहा कि पवन के लिए किसी एक लड़की के साथ बने रहना मुमकिन नहीं था, वो किसी एक लड़की के साथ नहीं रह सकते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब पवन के साथ उनके अपने भी खड़े नहीं हुए थे, उस वक्त मैंने उनका साथ दिया। पवन सिंह एयरपोर्ट पर पुलिस वालों से बदतमीजी से बात करते थे, उस समय मैं उनका बैग लेकर पुलिस वालों से भीख मांगती थी और कहती थी कि उन्हें जाने दो, मैंने बहुत बुरा वक्त झेला है, कई लड़कियों ने तो इनकी वजह से जान देने की कोशिश भी की, मैं अपने टैलेंट के दम पर यहाँ टिकी हूँ, उसी लिए मेरे माता पिता ने भी सपना देखा था, मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मैंने हमेशा इंसानियत को तवज्जो दी है, आज भी मैं किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। हमारा रिलेशन एक बुरे नोट पर ख़त्म हुआ, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि उनकी तरह गंदगी फैलाऊं। जब हमारा रिलेशन ख़त्म हुआ तब भी उनका कहना था कि जइए कहाँ, मेरे बिना काम कैसे करेगी। अब मैंने काम शुरू किया तो मुझे कई फ़ोन करवाए, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, बड़े बड़े डायरेक्टर से प्रोजेक्ट छिनवाए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। अगर मुझ में टैलेंट है तो मुझे आगे बढ़ने से भगवान के अलावा कोई भी रोक नहीं सकता, और वही हुआ। मैंने एक्टिंग के बाद गाना भी शुरू कर दिया और लोगों ने अपने प्यार और आशीर्वाद से मुझे एक्सेप्ट किया। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ बड़े म्यूजिक चैनल, गीतकार, संगीतकार जैसे लोगों पर मेरे साथ काम न करने का दबाव बनाया। मुझे इंडस्ट्री से बाहर करने की साजिश आज भी कर रहे हैं। ऐसे में पानी सिर से ऊपर हो चुका है। जिस चीज़ को भुलाकर मैंने मूव ऑन किया था वो आज कहनी पड़ी, वरना मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। द डेली न्यूज़ रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।